हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैंने देखा है सीपीओ का फॉर्म आ गया। एक्चुअली मुझे उस पर वीडियो बनाना था, बट आफ्टर लाइव सेशन मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो, ठीक है। तो एक्चुअली आपका एग्ज़ाम 2021 के मार्च में होने वाला है, ठीक है। 2021 के मार्च में फॉर्म अभी हो रहा है, तो एसएससी भी अपने तरफ से बहुत क्लियर होकर चल रहा है कि किस तरीके से फॉर्म अभी दे दो और एग्ज़ाम अब कभी लेना है तो ले लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो आते हैं सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और मुझे हंसी सबसे ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर वाणी ने नाम रखा वाणी ने नाम रखा है, क्या रखा है, सिस्टर ऑफ वाणी, सिस ऑफ रोशन। अच्छा, चलिए तो बस अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना आज का लाइव सेशन। और आज फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ के आना था, तो जल्दी से 30 मिनट के अंदर में आज मैं अपना लाइव सेशन कंप्लीट करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। ओके, तो थोड़ा सा जो है आज थोड़ा फास्ट सेशन होगा। और सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, सब लोग जो समझना है सब समझ लो। ओके, तो स्टार्ट कर दें। एक बार यस करके अपनी सहमति दिखा दें आप। ओके, आई एम गुड। तो चलिए स्टार्ट हम लोग कर देते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके सर, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, ठीक है। ओवन में क्या यूज होता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बस आंसर देते जाना फटाफट से, ठीक है। आप लोग पढ़ के आना, मैंने तो कल बता ही दिया था आपको कहाँ से कहाँ पढ़ के आना है, ठीक है। यस यस यस, सबका यस यस आ रहा है, कोई नहीं। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, ओवन में क्या यूज होता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडियो वेव्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट से मैसेज आ रहा है क्या? अरे यहाँ पर पूछा गया सब लोग माइक्रोवेव 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 क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया कि ओवन में किस टाइप क्या यूज होता है, तो रेडियो वेव यूज होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो गर्म होता है, ठीक है ठीक है। रेडियो वेव करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, अरे बाप रे, ठीक है उसको देख लेते, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके स्क्रीन पर कि गामा रे कैन कॉज, तो गामा रे कैन कॉज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, लगता है मेरा ही नेटवर्क डाउन है इसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई और यहाँ पर नहीं दे रहा है, ठीक है कोई नहीं। गामा रेज कैन यूज, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा आपका जीन म्यूटेशन जो है, आपका राइट आंसर है वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है आपके स्क्रीन पर कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द फॉलोइंग, तो बेस्ट कंडक्टर हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, ठीक है। तो हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है, मरकरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका कि द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन इज, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ताकि वो वेव साउंड वेव्स को हम मेजर कर सकें डेप्थ ऑफ ओशियन समुद्र के नीचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आप लोग बस आंसर देते रहो, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन इज, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार, आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाएगा आपका कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कॉन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, ठीक है। तो कौन सा कलर जो है वो मोस्ट कॉन्वीनियंट है
ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है सोनार, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप लोगों का आंसर आ रहा है फटाफट से, यहाँ पर आपका रेड और ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया था? Who among the following developed the technology of underground nuclear fusion? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये developed है। ठीक है, developed the technology of ground under nuclear fusion, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Yes, पहला answer आपका correct है, Dr. होमी जे भाभा जो है ये आपका right answer है, इन्होंने ही ये चीज़ दिया था। ठीक है, developed किया था। Next question है, the shape of our Milky Way galaxy is, तो मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी का शेप क्या है? और यहाँ पर आंसर आ रहा है सबका, हाँ ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आंसर तो सबका आ ही रहा है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, तो मिल्की वे का शेप क्या होता है? एट का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, यहाँ पर स्पाइरल आपका एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, आकांक्षा विनय मनदीप, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। तो किस टाइप का कोल जो है प्रोड्यूस करता है मोर हीट, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चलिए यहाँ पर विश्वजीत, श्रद्धा, अनु, राजश्री, सुगंधा, नील, रोशन, अर्पिता, चौधरी, टेक, वेरी गुड, पंचू, चाम। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस द मोस्ट हीट पर यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। ठीक है, आप देखते होंगे स्टार कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टार जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो कलर उनका वेरिएंट होता रहता है, वो किसकी वजह से? ये होता है उनके टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखते हैं, वेरिएशन आपको दिख जाता है। ठीक है, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो ज़्यादा स्पार्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड इज, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड को, हवा के, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अनडिफाइंड सोल, वेरी गुड, गीतू के, संचारी, पलक, ठीक है, सृष्टि, शुभांगी, वेरी गुड, वाणी, शिश की, रोशन ये नाम क्या सुझा सोच कर रख दिया। ठीक है, हाँ यहाँ एनीमोमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, एनीमोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। ठीक है, तो वो जो स्प्लिट होता है डिफरेंट कलर में, वो स्प्लिट होता है प्रिज्म में, तो ये किस वजह से होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मैं देख रहा हूँ पंचू, श्रद्धा, विश्वजीत, अनामिका, संजय, विवेक, शुभ, सुरजीत, संदीप, श्रुति, तुषार, गीतू के, वेरी गुड, सचिन, तुषार, क्यूट बॉय, ओ माई गॉड क्यूट बॉय, सबका आंसर जो है ये करेक्ट आंसर आ रहा है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, ठीक है, जो ये वुलन क्लॉथ होता है वो हमारे शरीर को गर्म रखता है क्योंकि, वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, क्यों रखता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? स्वीटी जी, पलक श्रीवास्तव, वेरी गुड, यहाँ पर अनुप्रिया, क्यूट बॉय, वेरी गुड क्यूट बॉय लिख रहा है, हे भगवान हमको तो लगा कि मिस्टर इंडिया है, देखते नहीं है चलिए हाँ यस, ओल जो है ये बैड कंडक्टर होता है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय सन बिकॉज, जो स्नो जो बर्फ जो पीछे पे होते हैं माउंटेन्स पे, वो एक बार में पूरा मेल्ट नहीं करते हैं जबकि सन उन पे पड़ता है, क्यों? बिकॉज वाई, द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज,
और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए गाइस, क्योंकि यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा कि इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, जो भी सन का वो हीट होता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, इसकी वजह से वो एक बार में सभी मेल्ट होके नहीं नीचे गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर कि क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी जो है ये किसका यूनिट है और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए गाइस। देखिए क्यूरी इज द यूनिट ऑफ और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यस पौलमता पंचु मनदीप तुषार मानसी अनामिका शुभो विश्वजीत गीतू धुरीन तुषार मेघा मोना कार्तिक स्वीटी जी विश्वजीत अनीता कुमारी, वेरी गुड। चलिए ये सबका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यस रेडियो एक्टिविटी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि मिस्ट इज कॉज्ड बाय, जो मिस्ट है ये क्यों होता है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मिस्ट इज कॉज्ड बाय, व्हाट इज द राइट आंसर। और यहां पर क्यूट बॉय क्या लिख रहे हैं कि सदा खुश रहो ये दुहा है हमारी, मुबारक आपको ये हंसी तुम्हारी, वाह रे शायर। चलिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि मिस्ट इज कॉज्ड बाय बिकॉज वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कि वाइल कैचिंग अ बॉल, जब बॉल को हम कैच करते हैं अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द, तो क्यों प्लेयर जो है नीचे कर लेते हैं अपने हाथ को, क्यों वाई, कि वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल डाउन हिज हैंड टू लोअर द लोअर द डैश, व्हाट इज द राइट आंसर। और रजनीगंधा, यस रजनीगंधा माइकल डिसूजा उमा कुमारी सुरभि कुमारी यस धुरीन आरके गेम्स सुरेश कुमार पौलमता मोना, चलिए यहां पर मोमेंटम आपका, उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको किसने इन्वेंट किया था, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, और यहाँ पर क्या होगा, यस निसी माई नेट इज टू बैड, बहुत गुस्सा आ रहा है, सेम हेयर निसी, मेरा भी आज नेट बहुत खराब चल रहा है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉल एंड रुस्का, जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ, जो एकदम क्लियर नाइट है वो ज्यादा ठंडा होता है देन द क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ, क्या रीजन क्या है इसके पीछे का, इस दया खोजो कुछ तो मिलेगा, क्या होगा आंसर इसका करेक्ट आंसर। और यहां पर वेरी गुड निर्मल प्रजापति, हाँ निर्जा, ओहो चलिए सुपर्णा सोम विश्वजीत दीवान संचारी अर्जुन यादव, आजकल पारुल नहीं आ रहा है, प्रिंस भी नहीं आता है, क्या रीजन है। चलिए यहां पर आपका रीजन क्या हो जाएगा, रेडिएशन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन, जो स्पीड होता है ध्वनि का वो ज्यादा होता है किस में, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन ऑन व्हाट, एंड यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और देखिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, स्पीड, यस ग्लास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्लास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सनग्लास, हम सनग्लास के लिए क्या यूज करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सनग्लास, तो सनग्लास के लिए क्या यूज्ड होता है, यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रूक्स ग्लास, जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। सर पेपर का डेट आगे जाएगी क्या सर, प्लीज बताओ सर। देखिए अभी तो नहीं बोल सकते कि आपका डेट आगे जाएगा, चांसेस तो कम है, अब डेट निकाल दिया है तो फिर ऐसा क्यों सोचें, समझ रहे हो, चलिए उतना दिमाग नहीं लगाना है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, जो गुड कंडक्टर कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीके स्टडी हब मनप्रीत सिंह,
ओके, सौम्या पंचू शुभो अर्पिता दास क्रिएटिव इवोल्यूशन आकांक्षा मिश्रा वाणी सोनी वापस से आ गई हैं अपने नाम के साथ, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर ग्रेफाइट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका केमिकल एनर्जी में किस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चाम का कहना है सर इट्स रेनिंग हियर दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम्स, सब के साथ यही है। वो तो अच्छा हुआ कि लाइट का थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट करवा लिया है तो इन्वर्टर पे मेरा चल रहा है ब्रॉडबैंड, ठीक है, नहीं तो अभी सब कुछ खत्म होने वाला था, समझ रहे हो, लाइट नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस जो है आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो टर्म आपने सुना होगा इक्विनॉक्स का, इसका मतलब क्या होता है, द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, मैं देख रहा हूं। तो पहले आंसर किसका किसका आ रहा है यहां पर, थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, 24 पे चल रहे हैं हम लोग। तो द टर्म इक्विनॉक्स मींस जो होता है यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर आया सबसे पहले सुपर्णा सोम का, जो कि आ गया आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या हो जाएगा कि वेन डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन, ठीक है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन शायद इस बार सीजल में भी आया है ना, कि कहाँ पर आपका डे एंड नाइट इक्वल होता है, तो वहां पर इक्विनॉक्स था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाई, जो हीट होता है ये रीच होता है सन पे किसके द्वारा, यस लाइट आ गया। चलिए तो हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाई, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और यहां पर सबका आंसर करेक्ट आया है नील, वेरी गुड, हमारे यहाँ फ्लड आने जैसा सिचुएशन बना है, अच्छा सबके साथ प्रॉब्लम चल रहा है। पटना में एकदम नेटवर्क नहीं आ रहा है, अच्छा सर मैं छत पर लेती हूँ मच्छर लगाकर खा पर हवा चल रही है, अच्छा ऐसा क्या। चलिए 25 का आपका क्या हो जाएगा, 25 का यहाँ पर रेडिएशन आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट, ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट का वो कौन सा पार्ट है जिसके वजह से सोलर कुकर हॉट गर्म हो जाता है, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाए, मैं देख रहा हूं कि यहां पर निर्जा आरके गेम्स माइकल डिसूजा, ओके सब लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं। तमन्ना सिंह का कहना है कि सर टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, मेरे लेन में एक बारिश में ही बाढ़ आ जाता है, अच्छा पहले आता था अब नहीं। चलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो क्या होगा, वो क्या बनेगा, यहां पर आपको बताना है। 25 लाख का क्वेश्चन है, प्लीज गाइस बी सीरियस, ओके। यहां पर क्या हो जाएगा कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, कौन जवाब देने वाला है 27 का, क्योंकि यहां पर पैसे की बारिश हो रही है आपको पता ही है। यहाँ पर 27 यस, कार्तिक, निशी, विश्वजीत चौधरी, माइकल डिसूजा, मानसी, रजनीगंधा, संचारी, सबका करेक्ट आंसर है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी इमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, जो एनर्जी निकलता है सन से वो किसकी वजह से निकलता है, ये क्वेश्चन मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक सन आपको फ्री में मिलेगा,
क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। सन आपको फ्री में मिल सकता है मेरे थ्रू। द एनर्जी इमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रुति, मानसी, आकांक्षा, सबका करेक्ट आंसर आ चुका था। रोशन धुरी, 28 का करेक्ट आंसर कौन लेने के लिए तैयार हो गया है? 28 का यस, वापस से संचारी का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। कार्तिक, गीतू के, उदित, कृषाणु, ठीक है आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन आपका राइट आंसर है। यहां पर आपको मिलता है एक सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, जो आप देखते हो आकाश नीला दिखता है वो किस वजह से दिखता है? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ वॉट गाइज, कम ऑन। और यहां पर क्या हो जाएगा? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, और यहाँ देखिए, यहाँ आकांक्षा कुमारी, निर्जा, तुषार, ड्रीम गर्ल, सुरजीत, स्वीटी जी, अर्पिता दास, वेरी गुड। सन सन आप ही रख लो सर, क्यों? सर का आवाज, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ। अब आपको ठीक आ रहा होगा। सन appears ब्लू बिकॉज ऑफ, यहां हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, ये डायनेमो है, इस डिवाइस का यूज क्यों हम करते हैं, कि ये कन्वर्ट क्या करता है, एंड वॉट इज द राइट आंसर? डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, इसका आवाज होता है और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? डायनामो का क्या इस्तेमाल होता है, वो कन्वर्ट क्या करता है? यहां पर राइट आंसर है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका राइट आंसर है। और यहां पर श्रुति सिंह, अजीत सोनी, नॉलेज गैदरिंग, विश्वजीत दीवान, संदीप पाल, ठीक है, सिमरन सिंह, अर्जुन यादव, माइकल डिसूजा, मंदी, पंचू, तनय, आकांक्षा, उदित, सुपर्णा, रविकांत, रिया, वानी, सोनी, अनुज कुमार, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, तो एटमॉस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेज ये जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निशी, वानी, सोनी, विवेक, विज्ञान, प्रियंका शॉ, वेरी गुड, गीतू के, विश्वजीत चौधरी, भावना, अनामिका, पंचू, और यहाँ पे क्यूट बॉय। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो जाएगा आपका? माइकल डिसूजा सर, टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बनी और हम लोगों को लिंक भी नहीं दिया। नहीं नहीं आज आपको मिल जाएगा लिंक, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अभी तो ठीक है। आपका 31 का क्या हो जाएगा? ओजोन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओजोन इज द राइट आंसर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, ठीक है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, और यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए ये चीज तो एकदम अच्छा लग रहा है कि बायोलॉजी को भी मैंने आप लोगों को बोला था टेस्ट के रूप में पढ़ने के लिए, आप लोगों ने गर्दा मचा दिया। आज फिजिक्स बोले हैं तो फिजिक्स भी आप लोग पूरा पढ़ गया है, मतलब अच्छा है। मेरा भी थोड़ा सा है, जल्दी से ये खत्म हो जाए किरण पब्लिकेशन वाला, तो थोड़ा सा मैं कुछ और एक्स्ट्रा डाल सकूं अपना। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि डेसिबल इज द यूनिट फॉर, यूनिट यूज फॉर, ये जो डेसिबल है ये यूनिट यूज होता है किसके लिए? ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर धुरीन, निर्मला, पलक, वेरी गुड, माइकल डिसूजा, यस, संचारी, यहां पर शुभो, शुभ कहां है, सचिन सरावत, वेरी गुड। डेसिबल जो है ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके स्क्रीन पर, द एटमोस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, तो वो एटमोस्फेयर का कौन सा लेयर है जहां पर रिफ्लेक्ट होता है रेडियो वेव्स, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं? सुपर्णा सोम, एक्सीलेंट, ठीक है, यहां पर पॉल मता, पंचू,
अभी तक तो कोई ऐसा है जिसका नाम एक बार भी नहीं लिया गया है। सचिन, धुरीन, स्वीटी, वेरी गुड। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द एटमोस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होने की संभावना है पूरी पूरी, जिसके लिए आपको इस लेयर पे जाने का मौका मिल सकता है। आइनोस्फेयर आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आइनोस्फेयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि डेंजर का सिग्नल जो है, आप देखते होंगे कि वहाँ पर रेड लाइट होता है, ठीक है, कोई सा भी डेंजर का साइन हो वहां पर रेड लाइट होता है। तो आप समझिए कि ये रेड लाइट क्यों होता है, व्हाई। वानी सोनी, मुझे भूख लगी है, अभी मैं तुरंत अभी पिज्जा ऑर्डर करवाता हूं आपके लिए, आपके पास जाएगा, ओके। चलिए, यहाँ पर डेंजर सिग्नल जो है ये आपका जनरली रेड होता है, क्यों, क्योंकि ये जो है स्कैटर्ड द लीस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, ये जो है इसका लाइट बहुत कम स्कैटर्ड होता है एयर मॉलिक्यूल्स में, बाकी जितने भी लाइट्स होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं दिखता रहता है, ठीक है। और रेड लाइट का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि आप कई किलोमीटर तक देख सकते हैं रेड लाइट को, इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑयल ड्रॉप्स स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, जब तेल पानी के ऊपर गिरती है तो वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, द ऑयल ड्रॉप्स स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, यहां पर सबका आंसर आ रहा है आकाश सुजाला, वेरी गुड। यहां पर दिव्य ज्योति पॉल, वेरी गुड दिव्य ज्योति पॉल, ओके। क्यूट बॉय, ओके क्यूट बॉय तो क्यूट ही है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। आकाश चौरसिया, वेरी गुड। और कौन है यहां पर, शुभ्रदीप भट्टाचार्य, वेरी गुड। यहाँ पर प्रियंका शॉ, प्रियंका शॉ भी प्रेजेंट है, यस। उसके बाद अनुषा अनु, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज, द राइट आंसर इज, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है ऑयल का ये ज़्यादा होता है दैन द वाटर से, पानी से ज़्यादा होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट इज अ मेजर ऑफ, ये जो नॉट है ये किस चीज़ के मेजर के लिए यूज होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर फिर से सबका आंसर करेक्ट में आया था, ऑल टाइम फेवरेट, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका करेक्ट आंसर है शुभो, यू आर राइट, एक्सीलेंट। कार्तिक, वेरी गुड। संचारी, धुरीन, सुदीप, और यहाँ पर कार्तिक, श्रुति, वेरी गुड। रोशन राज, ठीक है सर जी, आप मैथ्स पे इतना कम फोकस क्यों करते हैं जबकि मेरा सबसे हार्ड वही लग रहा है। हाँ ये बात तो है, मैथ पे आप लोगों को तो छोड़ा हूँ ना मैं कि भाई आप करते रहिए। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नील, नील का भी आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नॉट क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ शिप जो है आपका इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सेवरे बर्न्स, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जलने की तो वो किस में होता है, ठीक है। सब तो यहाँ पे दिया हुआ है, बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, मेल्टिंग आइस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसेस मोर सेवरे बर्न्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टीम आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्टीम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, सडनली से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर गिर जाता है इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप। राधा यादव कह रही है कल ही मैंने फील किया स्टीम, अच्छा ऐसा क्या, सब अभी ठीक है ना, नॉर्मल हो ना। चलो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, और ये होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टॉर्म आने वाला है, तूफान अब आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आईज कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, जो होता है शॉर्ट साइटेड होता है ना, शॉर्ट साइट दिखाई नहीं देता है नज़दीक का, उसके लिए कौन सी लेंस की यूज होती है यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि वानी सोनी ने कह दिया कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं टेस्ट में आ जाती हूँ। ये तो है, ये बात तो है कि वानी को आता सब है, बट ये भी लेकिन उनका कहना है कि उनको कुछ आता ही नहीं है, जबकि मुझे पता है कि वानी को सब आता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आईज कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनकेव लेंस, आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो जो चमचमाना होता है, चमकना होता है आपका, नहीं क्या होता है, टिमटिमाना, तो ये होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है आपका। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, मैथ्स लाइए प्लीज। कोई नहीं, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है। चलिए यहाँ पर आपका कैंसर क्या हो जाएगा आपका, यस एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अर्थक्वेक के मेजरमेंट के लिए, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, तो कौन सा, ठीक है, अभी तक जो है कि क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, तो कौन सा एनिमल जो है सुन सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड, यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा बैट, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, तो किस कौन सा चीज है जो कि स्प्लिट कर देता है आपको व्हाइट लाइट्स को डिफरेंट कलर्स में, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स, तो प्रिज्म आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्टडी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए, और यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहां आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अ फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो ये फाउंटेन पेन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपको ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है, ऑनलाइन गुरुजी यहां पे प्रेजेंट है। चलिए यहां पर फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ का क्या हो जाएगा, यस कैपिलरी एक्शन आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, तो रिमोट सेंसिंग डिवाइस उसमें कौन सा चीज होता है आपको ये बताना है आपको, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, वेरी गुड, यहां पर तो सबका आंसर करेक्ट में आ रहा है, वेरी गुड, नॉलेज गैदरिंग, आकांक्षा, विवेक विज्ञान, सचिन सेरावत। चलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा 47 का, यस इंफ्रारेड आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि द एटमोस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय, जो एटमोस्फेयर वो गर्म हो जाता है उसका मेन रीजन क्या है, कॉमेंट्री लेवल 100%, अभी तो लगता है सुने ही नहीं हो भाई। चलिए एटमोस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय एंड द करेक्ट आंसर इज रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से ही मेनली हीटेड होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो किसने ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताया था और यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए,
ये तो सब लोग जानते होंगे कि न्यूटन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका आपका हो जाएगा, ठीक है, कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू, और यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। हाँ, आज तो बैटरी लो है। हाँ, समीर रमन सर मेरी बात का भी जवाब दे दो, ठीक है, चलिए, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, वैक्यूम आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए पार्ट वन में 1 से लेकर 200 तक के बीच में आप लोग उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। कल हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल मैं एक बहुत ही धमाकेदार आप लोगों के लिए टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है, तो कल आप लोग जो है मेरे हिसाब से आप लोग एक काम करना कि कल मोस्टली चांस है कि आपके सामने जो है मैथ्स का वीडियो आ जाएगा परसेंटेज का, लेकिन रात में जो लाइव टेस्ट होगा इसमें आपको रीजनिंग के लिए आपको पढ़ के आने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। हालांकि रीजनिंग में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों को तो आता ही होगा ऑलरेडी, बट कल मैं मिक्स्ड टेस्ट लेने वाला हूं आपसे कल रात के 9 बजे में, ठीक है, मिक्स्ड टेस्ट लेने वाला हूं। तो आपको मैं कुछ अभी बताने वाला नहीं हूं कि किस चीज़ का टेस्ट होगा, बट आपको मैं ये सिर्फ बताने वाला हूं कि आप कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। कल आपके एग्जाम लेवल का मैं एक और मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूं और वो कल मैं आपसे लेने वाला हूं कल रात के 9 बजे, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहेगा क्योंकि अब मुझे लगता है कि टेस्ट का संख्या आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो कल मुझे भी बहुत जल्दी, मतलब कि 1 घंटे के अंदर मैं पूरा टेस्ट कंप्लीट कर, 1 घंटे में तो पॉसिबली नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो कल आप लोग खा पी के आइएगा 9 बजे के पहले, कंप्लीट करके खाना पीना खा के मुझे लगता है कि 10:30 तक, ठीक है, उतने बजे तक या उससे पहले भी कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा में कंप्लीट करवा लेंगे आपका, ठीक है ना, इतना आप मान के चलो, ठीक है, तो आप लोग कल कर लेना। चलिए, श्रद्धा का क्वेश्चन है कि आई हैव अ वन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपका सर, आप डाउट सेशन ग्रुप खोलो। हाँ देखो, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम का ग्रुप मैं नीचे आपको दे रहा हूं, इसमें वही बच्चे आ सकते हैं जो सीरियस हैं, जैसे भी हो आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप वहां पर जो है रात के 10 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक 2 घंटा का आपके पास टाइम होगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा आपको, जो भी डाउट्स होगा, आप उस 2 घंटे में क्लियर कर लेना, लोगों से फोटो वोटो शेयर करके आप अपना पूछ लेना। बाकी दिन भर वो ग्रुप जो है ऑफ रहेगा, वो स्टार्ट नहीं रहेगा, समझ रहे हो बात को, आप लोग अपना पढ़ाई करोगे, मेरे वीडियोस मतलब कि मेरे लाइव सेशन के बाद मैं उस ग्रुप को ऑन कर दूंगा, आप लोग वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और वहां पर आपस में बात नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, आपस में आप लोगों को बात नहीं करना है बस, ठीक है, क्योंकि हो जाता है। चलिए, ओहो हो, आज अनुषा को 50 out of 50 आया हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर आया है मेरे प्यारे दोस्तों का। यहाँ पर नील, श्रुति, वेरी गुड, धुरीन 48, स्वाति 50 out of 50, विश्वजीत दीवान 49, अनुषा 50, वेरी गुड, रिया 46, सचिन 48, विश्वजीत 49, वेरी गुड, रजनीगंधा, ठीक है, रजनीगंधा भाई 40, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर है, पंचू 50, स्वीटी जी 45, नील 48, पंचू 50, तुषार 49, ओके वेरी गुड, और कौन कौन आए हैं यहाँ पर देने के लिए, ठीक है, अनुप्रिया 40, तुषार 49, पलक वेरी गुड पलक, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत हमेशा अच्छा होता है, ठीक है, पंचू 50, यहाँ पर भावना 49, आकांक्षा कुमारी 45, नॉट बैड आकांक्षा, वेरी गुड, अनुषा 50 out of 50, वेरी गुड। चलिए, अनडिफाइंड, आज अटेंडेंस बहुत कम है, हाँ आज अटेंडेंस बहुत कम है, कोई बात नहीं है, धुरीन हो गया, वेरी गुड, निर्जा हो गया, निर्जा 47, वेरी गुड निर्जा, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर क्या कहना है श्रद्धा का, सर आई विल कंप्लीट द सिलेबस और कमांड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, सर आई विल कंप्लीट द सिलेबस और कमांड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो अरे नहीं, सिलेबस को कंप्लीट करना ज़्यादा सही होगा, ठीक है सर, बट गलत है, हमें बताया भी, अरे तो कल तो पहली बात कि जितने नंबर सेफ थे और जो मेरे को टेलीग्राम किए हुए थे उनको मैंने दिया था, और कैसे नहीं बताया, आप जाके चेक करो तो अपना, कल मैंने सबके कमेंट पे जाके आप लोगों को शेयर किया है ग्रुप का लिंक, और आप लोग तो चेक करते नहीं हो, ठीक है, सबको वहाँ पे भेजा है मैंने, सुपर्णा 46, अर्जुन, श्रद्धा 45, गीतू, आकांक्षा 50, चलिए रविकांत वेरी गुड, चलिए हम सुबो का कितना है 46 है, वेरी गुड, यहाँ पर गीतू 48, चलिए ठीक है, चलिए अब आप लोग रहने दीजिए, अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
ओके, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। और जिसको जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जैसे कि मान के चलो कि कोई आप लोगों को डाउट हो रहा है, वहाँ पे बच्चे रहेंगे ना तो वो आपके क्लियर कर देंगे। अब क्वेश्चंस कैसे बने हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, उस पर ज़्यादा फर्दर डिस्कशन आप लोगों को जो भी करना है, 2 घंटे का टाइम होगा, उसमें आप लोग अपना डिस्कशन कर लेना। क्योंकि अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ना कहीं आपके वीडियोज़ पर फ़र्क पड़ेगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, समझ रहे हो बात को। इसीलिए मुझसे जितना आप डिस्टेंस बना सकते हो, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग स्पेशल है तो वो कर सकते हैं, बट लेकिन मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे, ठीक है, मुझसे ज्यादा मत पूछना आप लोग, ओके। वहां पर आप लोग अपना आपस में करना, 10 से 12 आप लोगों का टेलीग्राम ऑन रहेगा, ठीक है गाइस, ओके। चलिए तो मिले आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।